जय सियाराम ड्रामाटिक क्लब रावण दहन का आयोजन जाखल मंडी में किया गया, जो पिछले 15 सालों से इस प्रोग्राम का आयोजन करती है। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ गेस्ट देवेंद्र सिंह बबली, जो जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उन्हें बुलाया गया और वो आए भी। देवेंद्र सिंह बबली ने रावण दहन की इस प्रक्रिया का आरंभ करते हुए रावण को अग्नि दी। साथ ही देवेंद्र सिंह बबली ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुभाष बराला, जो कि मौजूदा विधायक टोहाना से है, आज एक रावण फूका है और एक रावण 24 अक्टूबर को फूका जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। आज इस रावण दहन के प्रोग्राम में, दशहरे के प्रोग्राम की मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आज से एक दिन पहले नवरात्रों की नवमी की पूजा थी, नवरात्र थे, उनको भी मैं महामारी की कृपा बनी रही है, आपको उनकी भी बधाई देता हूँ, और आने वाले समय में हमारे दिवाली आने वाली भाई एडवांस में उसकी भी बधाई देता हूँ। और एक ही बात कहना चाहूंगा, सभी गणमान्य है, नाम लेऊंगा, मेरी वजह से काफी लेट हो गया, मुझसे माफी मांगते हुए, क्योंकि मैं कामों में था, मेरे दूसरे भी अपने रावण दहन का प्रोग्राम था, आधा पौना घंटा पहले आ गया था, उन्होंने बुला लिया वहाँ पे। आपसे एक ही बात कह के जाना चाहूंगा, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका सेवक हूँ, अच्छा तरह रहूंगा। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद मेरी असली ताकत है। और आज बहुत बड़ा दिन है, बुराई पे अच्छाई की जीत का दिन है साथियों, क्योंकि रावण रूपी बुराई को श्री राम जी ने खत्म किया था। हर भाई अपने टोहड़ में भी कई रावण है, उन्हें मौका मिल गया भाई। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सामाजिक बुराइयों से हमारे समाज को बचाना है, भाईचारे को बढ़ा के रखना है एक दूसरे से। ये परमात्मा ने इंसान पैदा किया था, उसने कोई जात पात नहीं बनाई थी, उसने इंसान पैदा किया था, इंसानियत के लिए हम काम करेंगे, मानव तो भलाई के काम करेंगे। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नर सेवा नारायण सेवा, किसी भी इंसान की सेवा करते हो वो भगवान से बढ़ के सेवा होती है साथियों। इसे ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि रावण दहन का प्रोग्राम है, काफी लेट हो चुके हैं, आपका आशीर्वाद मुझे पता लग चुका है, पहले भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और कल भी मेरे साथ रहेगा। बोलिए जयपति रामचंद्र की जय, जयपति रामचंद्र की जय, जयपति रामचंद्र की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवन हरियाणा।